कैसे हो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताओ ना यार, अभी आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो। गाइस मैं हूं कैफ फ्रॉम नॉइज़ टेक और ये है आईफोन 14 प्रो। हम इस फोन को 3 महीने ऑलमोस्ट यूज कर चुके हैं एंड इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले डिटेल में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता देता हूँ, ये हमारा यूएस वाला ई सिम वेरियंट है। ई सिम मतलब इसमें सिम ट्रे नहीं आती है, डायरेक्टली 2 eSIM लगती है। अब आप बोलोगे हमने ये क्यों लिया। हमने इस फोन को लेने पे ऑलमोस्ट 15,000 से 20,000 रुपए बचाए हैं। डायरेक्टली हमने हमारी लोकल शॉप से खरीदा एक ई सिम वेरियंट, ग्लोबल फोन बोलते हैं इनको। मैंने आपको बताया ये यूएस वाला वेरियंट है। आप मार्केट में जाओगे और आप बोलेंगे भाई मुझे आईफोन 14 प्रो चाहिए, 14 प्रो मैक्स चाहिए, आप ये स्कैम से बचकर रहना। हमें पता नहीं रहता, हम चेक नहीं करते कि हमें एक इंडियन फोन मिल रहा है या ग्लोबल फोन मिल रहा है। तो कभी भी आप एक नया आईफोन ले रहे हो, सबसे पहले बॉक्स के पीछे ही आपको मॉडल नंबर लिखा रहता है फोन का। इंडियन फोन्स के मॉडल नंबर में लास्ट में HN/A लिखा रहता है, वैसे यूएस के फोन में LLA लिखा रहता है, जापान के फोन में JA लिखा रहता है। इतना याद रखना, अगर आप ये LLA ले रहे हो तो इसमें आपको सिर्फ ई सिम का ऑप्शन मिलेगा, फिजिकल सिम कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हांगकांग वाला वेरियंट ले लोगे वहां तो 2 सिम लग जाते हैं, इंडियन वेरियंट में आपको 1 सिम यानी 1 eSIM वाला सपोर्ट मिलता है। अगर आपको डेफिनेटली पैसे बचाने आईफोन खरीदते टाइम, आप ऐसा कुछ ऑप्शन ट्राई आउट कर सकते हो। इंडिया में एकदम अच्छे से चलते हैं, 5G सब कुछ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एप्पल में आपको इंटरनेशनल वारंटी मिल जाती है, तो ट्राई करना। ग्लोबल फोन ले रहे हो तो एटलीस्ट बिल या इनवॉइस के साथ में लो, इनवॉइस मिल जाते हैं जनरली दूसरी कंट्रीज के। एंड इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा इस ग्लोबल फोन में हमें कोई इशू नहीं आया लास्ट 3 मंथ्स के यूजेज में। अगर आपने पहले कभी आईफोन 12 प्रो या 13 प्रो देखा होगा तो 14 प्रो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, पर अगर नहीं देखा होगा तो ये एकदम आपके लिए अलग डिजाइन है। ये कोई एंड्रॉइड जैसा नहीं दिखता है, इसका अपना एक डिजाइन है, डेफिनेटली प्रीमियम दिख के आता है। ये मेरे पास 14 प्रो है, ये 6.1 इंच वाला मॉडल है। एंड अगर आपको देखना है 14 प्रो मैक्स कैसा दिखता है, ये 13 प्रो मैक्स है, पर इतना अच्छा खासा एक साइज का फर्क दिखेगा दोनों में। ये टिम कुक जा रहे थे। ये 14 प्रो ज्यादा हैंडी फोन है कम्पेयर टू ऑफ कोर्स मैक्स, एंड डेफिनेटली वो फर्क आपको दिख कर आएगा। मेरे हिसाब से 6.1 इंच साइज एक बहुत अच्छा साइज रहता है। मेरा डेली ड्राइवर इस फोन के पहले ऑफ कोर्स ये 13 प्रो मैक्स ही था, एंड जब मैंने इससे इस पे स्विच किया, क्या डिफरेंस दिखा मेरे को साइज में, ऐसा लग रहा है कितना हैंडी फोन, कितना हल्का फोन पकड़ रहा हूँ कम्पेयर टू दिस। ये 1.5 किलो का है, 225 ग्राम, 230 ग्राम, उसी की जगह ये 14 प्रो 205 206 ग्राम का है। इस साइज में अगर आप कोई फोन लेते हो तो इतना भारी नहीं रहता है। ये भारी होने का कारण है आजू बाजू आपको स्टेनलेस स्टील मिलता है। लास्ट 3 महीने के यूज में आज भी ये फोन एकदम ब्रांड न्यू दिखता है। एक मैंने डिफरेंस देखा क्योंकि मैं 13 प्रो मैक्स यूज करता था, इसके लिए दिखा कैमरा बम्प को क्या बड़ा किया इस बार। ये बड़ा फोन है, इसका कैमरा बम्प ये छोटे फोन से छोटा है, मतलब इसका छोटा है इसका बड़ा है, दैट्स व्हाट शी सेड। उसी की जगह ये जो चट्टान है, मतलब उठी हुई चट्टान, इसकी चट्टान बहुत ज्यादा ऊपर है, इसकी चट्टान उतनी उठी हुई नहीं है। डेफिनेटली इस बार जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है उसके कारण लेंसेस को बड़ा किया, लेंसेस का हाइट बढ़ा दिया, एंड उसको मैच करने के लिए बाकी 2 लेंसेस को भी बड़ा कर दिया। बाकी भाई ये छोटा सा रिंग स्विच तो अपनी एक पहचान है, कभी भी साइलेंट पे डालो, जनरल पे डालो, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम आईफोन। मेरे हिसाब से इससे अच्छी चीज को मेरे आईफोन में लगती ही नहीं है। ये टिम कुक को रिटर्न लेके जा रहे थे। मेरे हिसाब से अगर आप दूर से देखोगे तो 12 प्रो 13 प्रो 14 प्रो सब आपको एक दिखेंगे, बट हाथ में लेने के बाद डेफिनेटली यहाँ पे फर्क दिखता है, क्योंकि यहाँ पे अब आ गया है डायनामिक आइलैंड। डायनामिक आइलैंड में ऑफ कोर्स बहुत सी चीजें हमने बहुत वीडियो देखी लास्ट 3-4 महीने में, और हमें समझ में आ गया कि इसमें क्या है, क्या होता है, कैसे एनिमेशन है, सब कुछ। बट एक आध चीज है जो मुझे इसमें एप्पल की अटेंशन टू डिटेल जो बहुत ज्यादा पसंद आई। सपोज आप किसी कॉल पे बात कर रहे हो एंड बात करते करते आपने फोन को सपोज स्पीकर पे डाल दिया, आप अपने होम स्क्रीन पे आ गए, अब डायनामिक आइलैंड के अंदर आपको दिखे कि आपका कॉल चालू है, आप बात कर रहे हो तो आपकी आवाज यहाँ से राइट साइड से जा रही है ऑरेंज कलर में, एंड सामने वाले की आवाज ग्रीन कलर में लेफ्ट साइड से आ रही है। फॉर एग्जांपल आपका फोन स्पीकर पे नहीं भी है तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला कब बात कर रहा है, आपकी आवाज जा रही है नहीं जा रही है। मैंने आज तक बता रहा हूँ किसी ब्रांड को ध्यान देते नहीं देखा। ऑफ कोर्स डायनामिक आइलैंड को भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा, बट ऐसी छोटी छोटी चीजों का एप्पल इतना ध्यान रख रहा है, ये चीज सही में देखकर यूज करने के बाद समझ में आती है। एंड मैंने डायनामिक आइलैंड में अब बग देखा है। शुरुआत में जब 14 प्रो लॉन्च हुआ था, प्रो मैक्स नहीं, प्रो में बहुत सारे डायनामिक आइलैंड के बग्स लोगों ने रिपोर्ट किए थे ट्विटर के ऊपर, मैंने भी 3-4 बार फेस किया था, पर अपडेट्स में ये बग को काफी हद तक सॉल्व तो कर दिया, पर अभी फिर भी मुझे ये बग आता है एक आधा, मतलब 3-4-5 दिन में एक बार। ये मेरा जब ऑटो रोटेट ऑन होता है, मैंने ध्यान दिया है उस टाइम पे होता है, मेरा पूरा कॉलिंग का यूआई यहाँ पे आ जाता है डायनामिक आइलैंड से दूसरी जगह पे। मेरा साथ ही साथ डायनामिक आइलैंड के फीचर्स भी काम नहीं करते, जैसे यूट्यूब म्यूजिक से कोई गाना प्ले कर रहा हूँ, ऊपर डायनामिक आइलैंड में वो यूआई में दिखता नहीं है। ये छोटी मोटी चीज है। लॉक स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे अभी लॉक का आइकन दिख रहा है डायनामिक आइलैंड में, तब नहीं आ रहा था। ये छोटे मोटे इश्यूज मैंने देखे हैं डायनामिक आइलैंड के, जो काफी हद तक एप्पल ने सॉल्व तो कर दिया है, बट फिर भी एक आध बार आपको देखने मिलते हैं। डिस्प्ले देखकर ये वैसे ही पिछले साल जैसा 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले जो आपको ये
13 प्रो 13 प्रो मैक्स में मिलता था। यहाँ पे मैंने इस बार डिफरेंस देखा भाई, ब्राइटनेस 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। आजू बाजू जब मैंने दोनों फोन को रखा अभी एकदम धूप में, बहुत बड़ा फर्क दिख कर आया। मेरे 13 प्रो मैक्स की ब्राइटनेस में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं थी, कभी नहीं। इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा भाई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले इतना ज्यादा क्लियर ब्राइट रहता है, जब आप धूप में खड़े हो हर चीज दिख कर आती है। अगर आप इस फोन को एक्सेसिव कैमरा यूज कर रहे हो तो 13 प्रो मैक्स की तरह 14 प्रो मैक्स में भी आपको ब्राइटनेस थ्रॉटलिंग मिलती है। मतलब 10-15 मिनट एकदम हैवी यूज कर लिया, धूप है, कहीं ना कहीं वो ब्राइटनेस को नीचे कर देता है। यही चीज मेरे 13 प्रो मैक्स में थी, वो बहुत ज्यादा अनोइंग है। सिर्फ 10-15 मिनट के यूजेज में ही वो थ्रॉटल कर देता है, ताकि ओवरहीटिंग ना हो, बैटरी बचे, ये सारी चीजें। मतलब आप इस फोन को 2000 निट्स की ब्राइटनेस में बहुत ज्यादा देर तक नहीं यूज कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले पिछले साल जैसे सेम क्वालिटीज के अच्छे, एकदम 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले, स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अच्छा HDR कंपैटिबल है, आप आराम से HDR वीडियोस देखो, मैक्स ब्राइटनेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा चलता है वीडियोस में, शार्पनेस, डिस्प्ले की शार्पनेस, कलर्स सब कुछ अच्छा है। स्लाइटली बेटर कलर्स दिखे मुझे यहाँ पे कंपेयर किया जब मैंने अपने 13 प्रो मैक्स से, बहुत स्लाइटली, इतना कोई मेजर नहीं था, बट डेफिनेटली हल्के फुल्के इंप्रूवमेंट्स देखने मिले हैं। ऊपर आपको सिरेमिक शील्ड देखने को मिलता है, जो डेफिनेटली डिस्प्ले को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मेरा 13 प्रो मैक्स काफी बार गिरा है, पर अभी भी उसको कुछ नहीं हुआ है, एंड वही चीज मैं इससे भी एक्सपेक्ट करता हूँ, ये तो उससे हल्का भी है। जब ये ग्लास ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं, क्रैक से बचाए जाते हैं, जहाँ डैमेज कम हो, इन पे स्क्रैचेस लगना और इजी हो जाता है, इसीलिए मैंने डे वन से इसके ऊपर एक टेम्पर्ड ग्लास लगा के रखा है, आज तक नहीं निकाला है, एंड डिस्प्ले एकदम मस्त चल रहा है। बहुत से लोग रहते हैं शक्तिमान, जिनको नहीं लगाना रहता है और वो बिना गार्ड के यूज करते हैं, फिर डिस्प्ले पे स्क्रैच आने के बाद बोलते हैं अरे यार गार्ड लगाना चाहिए था, और फिर गार्ड जाके लगाते हैं। वो चीज इग्नोर करो, एक नॉर्मल सा गार्ड भी लगा लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके डिस्प्ले को एक डिसेंट सी प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, एंड एटलीस्ट स्क्रैचेस वैचेस से तो बच ही जाएगा। आजकल हमें मोस्ट ऑफ द फोन्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल ही जाता है, बट एप्पल ने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे भी हल्के फुल्के कस्टमाइजेशन किए हैं। सपोज आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, आप एयरपोर्ट से बात कर रहे हो, या मे बी स्पीकर से बात कर रहे हो, आपका फोन साइड पे रखा हुआ है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे वो कॉलिंग स्क्रीन दिखती है, एंड मेन कॉन्टेक्ट जिससे बात कर रहे हो उसका नाम अच्छे से दिखता है, एंड बाकी की कॉलिंग स्क्रीन वहाँ पे पूरा ब्राइटनेस लो हो जाता है, एंड हल्का सा कॉलिंग का UI दिख कर आता है। आप एक बार टैप करोगे देन आपकी पूरी स्क्रीन फिर से वेक हो जाएगी। ये चीज मैंने कोई दूसरे फोन में नहीं देखी, यहाँ पे एप्पल ने डेफिनेटली ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान दिया है, जो दिखकर बहुत ज्यादा अच्छी आती है। अभी रिसेंट वाले अपडेट में एप्पल ने एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की नई सेटिंग ऐड की है, शो वॉलपेपर नाम की। अगर आप उसको ऑफ कर देते हो तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको सिर्फ ब्लैक बैकग्राउंड मिलेगा, ये अच्छी चीज है, बहुत बैटरी बचाती है। बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे थे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बहुत बैटरी खा रहा है क्योंकि वॉलपेपर दिखता है, ये चीज अच्छी की एप्पल ने। पर यहाँ पे मुझे एक छोटा सा बग मिला, अगर आप कंटिन्यूस यूज कर रहे हो, आपने शो वॉलपेपर वाला ऑप्शन ऑफ रखा, मतलब आपको ब्लैक स्क्रीन चाहिए ऑलवेज ऑन में, उस टाइम पे घड़ी घड़ी लॉक कर रहे हो, अनलॉक कर रहे हो, लॉक कर रहे हो, अनलॉक कर रहे हो, उसमें एक आध बार कभी कभी आपका वॉलपेपर आ जाता है। मतलब ब्लैक स्क्रीन आना चाहिए आइडियली, पर फिर भी यहाँ पे एक आध बार वॉलपेपर दिख जाता था। एंड दूसरा मेरा एक छोटा सा कंप्लेन, जब पूरा स्क्रीन ब्लैक हो रहा है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, एंड कोई नोटिफिकेशन आ रहा है आप, तो वो नोटिफिकेशन का कलर और उसके नोटिफिकेशन के ऐप के नाम के साथ दिखता है। चलो ठीक है नोटिफिकेशन दिख रहा है, पर वो एटलीस्ट वो लोगों को भी ब्लैक एंड व्हाइट कर देना चाहिए, ताकि वो कलर्स बंद हो जाए एंड बैटरी कहीं ना कहीं बचे। ये चीज कोई इतनी अनोइंग नहीं है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर बैटरी एफिशिएंसी में काम आएगी। बात कर लेते हैं स्पीकर क्वालिटीज। मैंने ये नोटिस किया इस 14 प्रो की स्पीकर क्वालिटी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे 13 प्रो मैक्स से कम दिखी मुझे। एक छोटा सा टेस्ट, ये 13 प्रो मैक्स, की जब मेरे टेस्ट की थी मेरे एक फ्रेंड के फोन पे, वहां पे मुझे ऑलमोस्ट सेम 13 प्रो मैक्स जितनी क्वालिटी आ रही थी। एक चीज मैंने यहाँ पे देखी, एप्पल ने इस बार ईयरपीस को हल्का सा कम किया, वो बेसिकली शायद इसके लिए ताकि बाजू वाला आपकी गर्लफ्रेंड की आवाज ना सुने जब आप उससे बात कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने हर फोन में आजकल देखा है ईयरपीस इतना ज्यादा लाउड रहता है कि 50% या उससे कम पे सुनना पड़ता है, तब जाके बाजू वाले को पता नहीं चलेगा कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो या अपनी गर्लफ्रेंड की बातें सुन लेगा वो। इसको छोड़ के मुझे बाकी कोई स्पीकर से इशू नहीं दिखा, बाकी अच्छी क्वालिटी है, ब्लूटूथ कनेक्शन एयरपोर्ट के साथ सारा अच्छा चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टैप्टिक इंजन वाला हैप्टिक फीडबैक आज भी उतना ही अच्छा है, एक मस्त आपको वाइब्रेशन फीडबैक मिलता है, टाइपिंग के टाइम, कॉल आते टाइम आपको वहाँ टक 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 वाला वाइब्रेशन फील मिलता है, डेफिनेटली आपको यूज करने में मजा आएगा। 3 महीने की यूजेज के बाद ऑफकोर्स मुझे इतने अच्छे यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर्स देखने नहीं मिले, मेरा एंटूडू स्कोर तो 8.5 लाख आ रहा था, और जब मैंने फोन लिया था तब 9.5 लाख पार था। यूज करने के बाद जब आपके फोन का स्टोरेज भी फुल हो जाता है, आप यूज कर रहे हो अच्छे से, उसके बाद बेंचमार्क
बग्स कम होते दिखेंगे। टेस्ट के पहले ही मैंने फोन को 5-7 मिनट आइडल छोड़ दिया था, पर कभी भी मुझे यहाँ पे परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू आया ही नहीं है। एक चीज मैंने देखी आईफोन में, अगर आप फोन में सिम डालते हो 5G का ऑप्शन एकदम से चालू नहीं हो जाता है, एक आध दिन लेता है फोन, पर उसके बाद 5G ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ, मैंने इसको 5G ऑन मोड में यूज किया है। बेसिकली जब भी फोन को 5G मिल रहा है वो 5G ही यूज करेगा, 5G ऑटो में नहीं यूज किया है। 5G ऑन में जियो के साथ यूज किया है, 5G स्पीड मुझे अच्छी मिली। अभी मैं सिटी से थोड़ा सा दूर हूँ, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर के आसपास, यहाँ पे मुझे 5G का ऑप्शन आ रहा है, पर 5G की स्पीड जितनी खास नहीं आ रही है। 20 Mbps डाउनलोड आ रही है, 10 Mbps के अंदर अंदर अपलोड आ रही है। सिटी में मुझे काफी अच्छी स्पीड देखने मिली है, 900 Mbps यहाँ पे डाउनलोड स्पीड आ रही थी एंड अपलोड स्पीड यहाँ पे 60 Mbps के आसपास आ रही थी जियो ट्रू 5G पे। डेफिनेटली बहुत अच्छी 5G स्पीड सिटी के बाहर, सिटी से थोड़ा दूर मुझे इतनी अच्छी स्पीड नहीं आई, मैंने आपको बताया। बाकी डेफिनेटली 5G के यहाँ पे मॉडम्स वॉडम सब मस्त है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बहुत अच्छी 5G स्पीड। एक 5G के स्पीड टेस्ट में मेरा 970 MB डेटा यूज हुआ है। 5G ऑन मतलब जहाँ पे फोन हमेशा 5G पे रहेगा जब 5G अवेलेबल है, मतलब जहाँ पे ज्यादा बैटरी यूज होगी बेसिकली, वहाँ पे भी मुझे इस फोन में इजिली एक दिन की बैटरी मिल गई। मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कहीं पे भी कि इसमें मुझे बैटरी की कमी दिख रही थी। 5G ऑटो पे यूज करोगे और अच्छी बैटरी लाइफ आपको देखने मिलेगी। एंड मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन, मेरे पास 13 Pro Max है, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। एंड बाकी अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ, एक आध घंटा ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम मुझे मैक्स में मिल जाएगा कंपेयर टू प्रो। अगर मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद करता हूँ तो आधा एक घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ जाएगा। डेफिनेटली ये एक वन डे फोन है एंड अगर आपके पास 14 Pro Max हो तो प्रभु आपको बहुत बैटरी मिलेगी, बहुत बैटरी। आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और फिर भी टेंशन ले रहे हो तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद कर दो। अगर मैं बैटरी चार्जिंग की बात करूं, ये फोन अराउंड 30 वॉट्स तक ही सपोर्ट कर लेता है चार्ज। मेरे पास पिछले साल वाला 20 वॉट का चार्जर है, 1.5 घंटे 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं स्लो चार्जिंग है, ठीक है, पर मुझे कभी इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरा पूरा दिन बहुत इजीली निकाल देता है एंड ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग के साथ रात में भी लगाओ तो सुबह तक आराम से फुल चार्ज होता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अब बात किया जाए 14 प्रो सीरीज का सबसे बड़ा अपग्रेड ओवर 13 प्रो सीरीज कैमरास। इस बार दिया आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो। मेन सेंसर को अपग्रेड किया, अल्ट्रावाइड एंड टेलीफोटो सेंसर्स ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ क्वालिटीज की, जब ये आया था ना तब मुझे इतना फर्क नहीं दिखता था दोनों की फोटोज में, मे बी बिकॉज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, पर अभी थोड़े अपडेट्स आने के बाद काफी सुधर गया है इसका कैमरा, काफी अच्छे इंप्रूवमेंट देखने मिले। डेफिनेटली दोनों की क्वालिटीज में फर्क है। अगर आप डायरेक्टली फोन उठाओगे और कैमरा खोल के फोटो ले लोगे, ये 12 मेगापिक्सल में ही फोटो लेगा। आपको सेटिंग में जाके प्रो रॉ वाली सेटिंग ऑन कर देनी है एंड कैमरा में जाके फिर वो रॉ वाला ऑप्शन एनेबल करोगे, तब आप 48 मेगापिक्सल वाली फोटोज ले पाओगे। अगर मैं 48 मेगापिक्सल वर्सेस 12 मेगापिक्सल की फोटोज की बात करूं, सबसे पहले तो भाई बहुत ज्यादा साइज का डिफरेंस। 12 मेगापिक्सल की फोटोज 3 MB 4 MB ऐसी बनती है, उसी की जगह 48 मेगापिक्सल वाली फोटोज 80 MB 90 MB 100 MB ऐसी साइजेस की बनती है। फोटोज में डेफिनेटली सबसे पहला आपको ब्राइटनेस एक्सपोजर का फर्क दिख जाएगा, थोड़ा सा जूम करोगे वहां आपको क्वालिटी डिफरेंसेस दिख जाएंगे। डेफिनेटली 48 मेगापिक्सल ज्यादा अच्छी फोटोज है, बट अगर आप ऐसा 128 GB वाला फोन ले रहे हो तो आप ज्यादा 48 मेगापिक्सल फोटोज नहीं ले सकते हो। अगर मैं ये 13 प्रो मैक्स के कैमरा से कंपेयर करूं, काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने मिले, मुझे ऐसा लगा डेफिनेटली 14 प्रो बेटर है, बट इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। एक सीरीज में इतना बड़ा फर्क जनरली हमें देखने नहीं मिलता है। हल्का सा मुझे ऐसा लगा हल्का सा येलोइश टिंट देखने मिला मुझे फोटोज में, वो मुझे सारे आईफोन में दिखता है जनरली, बहुत मेजर नहीं बट क्लोज टू नेचुरल कलर्स देखने मिलते हैं। कलर सैचुरेशन या एकदम ज्यादा कलर बूस्टिंग देखने नहीं मिलेगा। अल्ट्रा वाइड कैमरा 13 प्रो जैसा ही सेम है, ऐसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। चेंज 13 प्रो में हुआ था अल्ट्रा वाइड कैमरा, नया सेंसर यूज किया गया था, इसमें वही वाला सेंसर है। अल्ट्रा वाइड की क्वालिटी अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट अल्ट्रा वाइड कैमरास, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एंड साथ ही साथ 3x टेलीफोटो दिया, इस बार आप 2x टेलीफोटो में भी फोटो ले सकते हो लॉसलेस। हर बार आपको स्विच करना पड़ता था 1x से 3x में, बट इस बार आप 1x 2x 3x के तीनों के बीच में स्विच कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स अल्ट्रा वाइड भी स्विच कर सकते हो। यहाँ पे ऑफ कोर्स 4K 60fps की वीडियोस बनती है, बहुत अच्छी क्वालिटीज की बनती है। एप्पल ने एक नया एक्शन मोड दिया जो बेसिकली एक 2.5x क्रॉप पे बनता है। 1080 60fps पे मैंने वीडियो बनाई, डेफिनेटली वहां पे मुझे दोनों वीडियो में फर्क दिख गया है, सैंपल्स बनाए आप देख लो। ये है iPhone 14 Pro की वीडियो 1080p 60fps में, नॉर्मल मोड है ये, मैं थोड़ा सा जॉग कर रहा हूं, आपको क्वालिटी यहां पे समझ में आ जाएगी। ये है iPhone 14 Pro की वीडियो एक्शन मोड में 1080p 60fps में, आपको यहाँ पे क्वालिटी समझ में आ जाएगी एक्शन मोड कैसा मिलता है। जैसे 13 Pro Max में आपको ये नीचे बिंदी मिलती थी, वैसे ही बिंदी आपको ये 14 Pro Max में मिलता है, एकदम काला स्पॉट है ताकि इस फोन को नजर ना लगे, उसको हम बोलते हैं लाइडार सेंसर। ये आपको फोकसिंग में, डेप्थ मैपिंग में, ये सब में काम आता है एंड डेफिनेटली आपको एक अच्छा बोका देता है जब आप पोर्ट्रेट मोड में फोटोज लेते हो, बोका मतलब बैकग्राउंड ब्लर। डेफिनेटली यहाँ पे कैमरा क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, पर एकदम मेजर नहीं है। मैंने आपको पहले क्या बताया,
अगर आप आईफोन 11, 12 या पीछे वाले फोन से आ रहे हो देन आपको डिफरेंस दिखेगा। अगर आप 13 से आ रहे हो मे बी आपको इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की तो iOS 16 वन ऑफ द मोस्ट बगीएस्ट अपडेट्स लगा है मुझे, और 14 प्रो में शुरुआत में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई। मैंने आपको बता दिया डायनामिक आइलैंड वाली मुझे एक तकलीफ आई, साथ ही साथ एक छोटी मोटी मुझे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैंने आपको बताया कभी कभी वॉलपेपर आ जाता है ब्लैक स्क्रीन आने की जगह पे, बट अपडेट्स में ये फोन के बग्स को काफी हद तक सॉल्व कर दिया है। पहले बहुत ज्यादा थे बग, अभी मतलब 4-5 दिन या 3-4 दिन में एक आध बग मिलता है, ऐसे कोई मेजर नहीं है। और यहाँ पे अब काफी हद तक इस सॉफ्टवेयर को पॉलिश किया, स्मूथ हो गया है ये फोन। iOS में कुछ आपको नया देखने नहीं मिलेगा। अगर आपके पास सपोज iPhone 10, 11, 12 ऐसे फोन्स भी है देन आपको फिर भी iOS में इतना फर्क नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि लास्ट 5 साल में लॉन्च हुआ हर फोन को iOS 16 मिल गया, इसलिए आपको OS में कोई इतना बड़ा अपग्रेड या मेजर डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे iOS का डायनामिक आइलैंड के साथ जो इंटीग्रेशन है डेफिनेटली अच्छा है, अच्छा दिख कर आता है, एनिमेशन बहुत स्मूथ और काफी अच्छे इंटुएटिव लगते हैं, देखने में अच्छा लगता है। 3 महीने की यूजेज में ये एक अमेजिंग फोन है, कोई चीज में ये फोन पीछे नहीं है। बिल्ड क्वालिटी बोलो, डिस्प्ले बोलो, कैमराज बोलो, सॉफ्टवेयर बोलो, हर चीज इस फोन की अच्छी है, हर चीज। ये 1 से 1.25 लाख का फोन है, डेफिनेटली बहुत अच्छा फोन है। बट 14 प्रो वाले मॉडल में कुछ मैंने बग्स देखे जो मैंने आपको बताया, ये थोड़े से अनोइंग बग्स है। एंड मेरे हिसाब से 3-4 महीना हो गया इस फोन को आने को, एंड अब तक इन बग्स को फिक्स हो जाना चाहिए था, एप्पल जो अब तक कर नहीं पाया है। एप्पल की लेवल की कंपनी मेरे हिसाब से ये इश्यूज अब तक सॉल्व कर देना चाहिए था जो उन्होंने प्रॉपरली कर नहीं पाया है। मेरे को पता है आप लोग बहुत लोग कमेंट में ये भी बोल दोगे भाई मुझे नहीं मिला आज तक ये बग ऐसा, ठीक है। अगर आप एक 3-4 साल पुराना आईफोन से अपग्रेड कर रहे हो आपको मेजर फर्क दिख के आएगा, अगर आप 1 या 2 साल वाले आईफोन से अपग्रेड कर रहे हो आपको मेजर फर्क नहीं दिखेगा। एंड मैंने आपको जैसे बताया US वेरिएंट लोगे आपका बिल्कुल पैसा बचेगा, आप वो ट्राई आउट कर सकते हो ताकि आपको 1.5 लाख पूरा स्पेंड करने की जरूरत ना पड़े, एंड डेफिनेटली आप 15-20 हजार सेव कर दो। एंड अगर आपको इंडियन वाला बाय करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।